अस्सलाम वालेकुम। हमने फाइलम मोलस्का को स्टार्ट किया हुआ है और फाइलम मोलस्का के अंदर हमने इसकी क्लास गैस्ट्रोपोडा को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने गैस्ट्रोपोडा के काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और इसी के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, अदर मेंटेनेंस फंक्शंस इन गैस्ट्रोपोड्स। और इस टॉपिक के अंदर आज हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। तो जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, इनको इनकी शेल कॉइलिंग की बेस पर और टॉर्शन की बेस पर टू ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। एक ग्रुप होता है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स का और दूसरा ग्रुप होता है मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स का। तो आज हमने स्टडी करना है नर्वस सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। तो यहाँ भी हम इसको जो गैस्ट्रोपोड्स हैं टू ग्रुप्स के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे। हम प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को भी स्टडी करेंगे और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, और इनके अंदर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। और जो टॉर्शन और शेल कॉइलिंग होती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, इट इज़ नॉट द सेम प्रोसेस, ये एक सेम चीज़ नहीं है, बल्कि ये सेपरेट प्रोसेस होते हैं। शेल कॉइलिंग के अंदर जो शेल कॉइलिंग जो होती है वो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर बहुत कम होती थी या फिर नहीं होती थी, लेकिन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स जो थे इनके अंदर एवोल्यूशन होती गई और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेल कॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई। तो जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर शेल कॉइलिंग होती है और प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर नहीं होती। तो इसी तरह जो टॉर्शन होता है वो एक सेपरेट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर टॉर्शन के अंदर हमारे पास एक प्रीवियस लेक्चर भी बना हुआ है कंप्लीट, जिसके अंदर मैंने बताया कि टॉर्शन क्या होती है। उसके अंदर टॉर्शन में ये होता था कि जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रोपोड्स यानी कि जो स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका जो विजरल मैस होता है, ये वाला एरिया जो विजरल मैस होता है, इसके अंदर बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं वो ट्विस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये पोस्टीरियर साइड पर और जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग करके हेड वाली साइड पर मूव कर जाते हैं। तो ये हो जाती है, इसको कहते हैं टॉर्शन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज़ टॉर्शन। इसके अंदर क्या होता है, 180 डिग्री का ये एंगल है, 180 डिग्री के एंगल पर जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं ये सारे ट्विस्टिंग करके हेड वाली साइड पर मूव कर जाते हैं। तो ये होती है टॉर्शन। तो जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर टॉर्शन नहीं होती, लेकिन जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर टॉर्शन होती है। तो टॉर्शन में ये होता है कि और बॉडीली ऑर्गन्स जो होते हैं वो ट्विस्टिंग करते हैं, और शेल कॉइलिंग के अंदर जो इनके ऊपर गैस्ट्रोपोड्स के ऊपर जो शेल होता है वो कॉइलिंग कर लेता है। लेकिन अब डिफरेंस इनके अंदर ये है कि प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर टॉर्शन होती थी और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर टॉर्शन नहीं होती है। और शेल कॉइलिंग में डिफरेंस ये है कि जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे उनके अंदर शेल कॉइलिंग नहीं होती थी, लेकिन जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर शेल कॉइलिंग होती है। तो ये दोनों जो हैं प्रोसेस, ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये सेम प्रोसेस नहीं है। तो इनकी बेस पर जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो प्रिमिटिव और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर भी हम देखेंगे जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स था उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम था वो कैसा था, और जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है। तो अब हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स। तो जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके नर्वस सिस्टम को देखें। नर्वस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स कंसिस्ट ऑफ 6 गैंग्लिया। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स है इनके नर्वस सिस्टम जो है वो 6 गैंग्लिया पर कंसिस्ट करता था। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने अंडरस्टैंड करना है, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, एक न्यूरॉन सेल जो होता है, यानी कि जो नर्व सेल होता है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें नर्व सेल का, तो नर्व सेल के अंदर हमारे पास एक होती है सेल बॉडी, और उसके बाद उसके नीचे होता है एक एक्सॉन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है एक न्यूरॉन सेल का या फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये जो है ये सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज़ अ न्यूक्लियस एंड ये क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूरॉन सेल का, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो ये जो सेल बॉडी होती है, ये जो नर्व सेल होता है वो दो स्ट्रक्चर्स पर कंसिस्ट करता है, सेल बॉडी पर और एक्सॉन पर, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो गैंग्लिया क्या होते हैं, जो बहुत सारे सेल बॉडीज़ जो है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। ये जो सेल बॉडी है ना, बहुत सारी सेल बॉडीज़ जो होती हैं न्यूरॉन सेल्स की, वो एक दूसरे के साथ यूनाइट करती हैं, तो वो मिलकर एक गैंग्लियन बना देती हैं। एक गैंग्लियन, अगर एक गैंग्लियन होगा तो उसको हम गैंग्लियन कहेंगे, तो अगर ज़्यादा होंगे जैसे कि 6 है तो फिर हम उसको गैंग्लिया कह देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलकर, यानी कि बंडल ऑफ सेल बॉडीज़ या फिर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज
अ गैंगलियोन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक्सॉन्स प्रेजेंट है और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ नर्व। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज या फिर बंडल ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड अ गैंगलियोन, इज कॉल्ड अ गैंगलियोन। इसी तरह कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या फिर बंडल ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ नर्व। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस आ चुकी हैं, एक गैंगलियोन की और दूसरा नर्व की। तो बहुत सारी सेल बॉडीज जब इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर गैंगलियोन बनाती हैं, और बहुत सारी एक्सॉन्स जब इकट्ठी होती हैं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो मिलकर एक नर्व बना देती हैं। दीज गैंगलिया आर लोकेटेड इन हेड फुट एंड विसरल मैस। अब ये गैंगलियोन जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये गैंगलियन प्रेजेंट होते हैं हेड फुट के अंदर, यानी कि जो स्नेल्स का हेड होता है उसके अंदर, फुट के अंदर, और विजरल मैस जहाँ पर बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेड पोर्शन है, हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फुट पोर्शन है, फुट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये विजरल मैस जो कि इस जगह पर बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर ये गैंगलियंस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इन प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स टॉर्शन ट्विस्ट द नर्व्स दैट लिंक दीज गैंगलिया। ठीक है, प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, जब टॉर्शन होती है, ठीक है, जब टॉर्शन होती है तो उसके रिजल्ट में जो नर्व्स होती हैं ये सारी, ये ट्विस्ट करके हेड वाली साइड पर आ जाती हैं, दैट लिंक दीज गैंगलिया, और जिसकी वजह से ये सारे जो सिक्स गैंगलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, वो एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनकी मिलने की वजह से हेड पार्ट के अंदर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है नर्वस टिश्यूज़ की, और इसके रिजल्ट में इनके अंदर जो सेंसिंग एबिलिटी है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इनके जो इंटीरियर पोर्शन होता है, हेड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं इनकी कॉन्सनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे के जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा है। तो जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर मैंने बताया कि ट्विस्टिंग नहीं होती, टॉर्शन नहीं होती। तो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एवोल्यूशन होगी, एवोल्यूशन इन नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स, एवोल्यूशन जो है इन गैस्ट्रोपोड्स नर्वस सिस्टम टुक प्लेस। ठीक है, मॉडर्न जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर एवोल्यूशन होती है, इट अनट्विस्ट द नर्व्स, और इसके रिजल्ट में जो नर्व्स होती हैं वो अनट्विस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स आ रहे हैं उनके अंदर ट्विस्टिंग नहीं होती, उनके अंदर जो बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं वो अनट्विस्ट ही होते हैं। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस टिश्यूज टेक्स प्लेस इन द लार्जर गैंगलिया स्पेशली इन द हेड। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है नर्वस टिश्यूज़ की वो ज़्यादातर हेड के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो ट्विस्टिंग हुई थी उसके रिजल्ट में सारी जो गैंगलिया जो सारे थे जो या फिर जो नर्व्स जो सारी थी नर्वस टिश्यूज जो थे वो ज़्यादातर एंटीरियर साइड पर आ गए थे, हेड वाली साइड पर आ गए थे, और वहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब एवोल्यूशन हुई और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स जब आए तो उनके अंदर जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं उनकी अनट्विस्टिंग हो गई। ठीक है, बॉडीली ऑर्गन्स जो थे वो तो अनट्विस्टिंग हो गई, लेकिन उनकी जो नर्वस टिश्यूज थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हेड पार्ट के अंदर ही ज़्यादा रह जाती है स्पेशली, और दूसरे जो विजरल मैस है और फुट है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शन हमने जो गैस्ट्रोपोड्स हैं इनको टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। और प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के अंदर टॉर्शन की वजह से जो है ट्विस्टिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारी नर्व्स जो हैं वो गैंगलिया के साथ लिंक कर गई थी, एंटीरियर साइड पर मूव कर गई थी सारी, और इनके अंदर सेंसिंग एबिलिटी काफ़ी फास्ट हो गई थी। जबकि जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर नर्व्स जो होती हैं वो अनट्विस्ट हो जाती हैं और ये टॉर्शन नहीं होती है इनके अंदर, और कंसंट्रेशन जो होती है न्यूरन टिश्यूज़ की वो ज़्यादातर हेड पार्ट के अंदर ही होती हैं, और इनकी जो सेंसिंग एबिलिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स कम होती है। ठीक है, अब हमने देखने हैं सेंस ऑर्गन्स। तो अब हमने देखने हैं कि जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोपोड्स हैव वेल डिवेलप्ड सेंस ऑर्गन्स, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वेल डिवेलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनके अंदर थ्री सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, आइज, स्टैटोसिस्ट एंड ऑस्फरेडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइज। आइज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द टेंटिकल्स। आइज जो होती हैं ये टेंटिकल्स के एंड पर प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है इसका हेड है ना, दिस इज अ हेड, ठीक है, सॉरी दिस इज अ फुट, दिस इज़ ए हेड।
ये जो हेड होता है, हेड के ऊपर ये एक्सटेंडेड पार्ट्स लगे हुए हैं, एक ये और एक ये क्या होते हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं। तो आइज या तो फिर टेंटिकल्स के एंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर बताया गया है आइज। ये स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इनके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस आता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो आइज़ होती हैं वो यहाँ पर टेंटिकल्स के एंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और कुछ के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बेस के अंदर, ठीक है। जो टेंटिकल्स की बेस होती है यहाँ पर कुछ के अंदर आइज़ यहाँ पर होती हैं और कुछ के अंदर एंड पर होती हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। इसके बाद आइज़ में भी सिंपल पिट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स और इट हैज़ अ लेंस और कॉर्निया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ की बात की गई है कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर आइज़ जो होती हैं वो सिर्फ सिंपल पिट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल पिट का स्ट्रक्चर बनाया कि ये एक बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर एक डिप्रेशन बनती है इस तरह की। ये जो डिप्रेशन बनी हुई है इसको कहते हैं पिट, ठीक है, किसी भी डिप्रेशन को पिट कहते हैं। तो ये मैंने अगर ये डिप्रेशन बनाई है तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, ये है पिट है। तो इनके अंदर क्या होता है, सिंपल पिट्स के अंदर आइज़ कैसी होती हैं, जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर एक पिट बनती है और उसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये वीजन करते हैं। तो ये होती हैं सिंपल पिट्स। कुछ आइज़ जो होती हैं उनके अंदर सिंपल पिट्स होती हैं हैमिंग फोटो रिसेप्टर सेल्स, और कुछ जो होती हैं स्पीशीज़ उनके अंदर, इनकी आइज़ के अंदर लेंस होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है। लेंस और कॉर्निया जो कि हमारी आइज़ के अंदर भी प्रेजेंट है, ये लेंस होता है और कॉर्निया जो होता है ये कवरिंग होती है जो कि लेंस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज़ ए लेंस और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनकी आइज़ के। उसके बाद इनके अंदर जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है दैट इज़ अ स्टैटोसिस्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन द फुट। स्टैटोसिस्ट जो होता है ये इनके फुट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने बनाया है दिस इज़ अ स्टैटोसिस्ट, ये जो फुट पार्ट है इसके अंदर ये स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट इन द फुट एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम। ये इनकी बॉडी को बैलेंस्ड रखने के लिए, इक्विलिब्रियम रखने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टैटोसिस्ट और ये फुट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो है दैट इज़ ऑस्फेरेडिया। ऑस्फेरेडिया क्या है, दीज आर कीमो रिसेप्टर। ऑस्फेरेडिया जो हैं ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मेंटल कैविटी होती है जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जहाँ पर होता है मेंटल कैविटी के अंदर, यहाँ पर ये देखें ऑस्फेरेडिया प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्फेरेडिया मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, इट डिटेक्ट्स केमिकल्स इन इनहेलेंट वाटर और एयर। जो मेंटल कैविटी के अंदर जब वाटर एंटर होता है, इनहेलेंट वाटर कहते हैं एंटर होने वाले वाटर को, ठीक है, जो कि अंदर आ रहा होता है, उस वाटर को ये डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर एयर को डिटेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, इट टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी को टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर जो ऑस्फोरीडिया होता है, ऑस्फोरीडिया ऑफ प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स डिटेक्ट प्रे, वो प्रे को भी डिटेक्ट करता है। वाटर के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे से इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, तो उनको ये डिटेक्ट करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। तो ये होता है ऑस्फोरीडिया जो कि मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके ये फंक्शंस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नर्वस सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को भी और मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को भी। होप यू लाइक द लेक्चर, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।